सुशील भैया, ये पूरे देश में चर्चा का विषय है कि मॉनसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया अयोध्या का नव निर्माणाधीन मंदिर, मंदिर की छत लीक हो गई। देखिए, जो लोग मंदिर नहीं गए उनको मंदिर के विषय में जानकारी नहीं है। छत नहीं लीक हुई है। मंदिर जो है वो तीन तल का बनना है। अच्छा। तीन तल में प्रथम तल का कार्य पूरा हुआ है। अच्छा जी। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर गई होंगी। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर गई होंगी, यही इल्जाम है हम भाजपा वालों पर, चमन से बेवफाई का, जिन्होंने रौंद डाला पूरा चमन पैरों तले। आज वो दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का, इनकी हैसियत नहीं है विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से बात करने की। जय सियाराम मित्रों, इस वक्त हम मौजूद है रामनगरी अयोध्या में, ग्राम पंचायत पलिया जगमोहन सिंह कुचेरा में। आज हमारे साथ हैं भाई सुशील मिश्रा जी, जाने माने युवा समाज सेवी, भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। और मित्रों, इस समय जो है अयोध्या, जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है, चर्चा का विषय है। कोई अयोध्या वासियों को गद्दार बोल रहा है, कोई बाइकॉट अयोध्या कर रहा है, और अभी मॉनसून की पहली बारिश हुई है, और ऐसे में जो है आरोप लग रहे हैं कि जो रामलला का निर्माणाधीन मंदिर है उसकी छत लीक हो गई है, और जो राम पथ है मित्रों उसमें जो है जगह जगह जो है सड़क में धसान हो गया है। पूरा मुद्दा क्या है, सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। सुशील भैया, जय सियाराम। जय सियाराम। दो लाइन कहके मैं अपनी बात शुरू करूंगा जी। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर गई होंगी। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर गई होंगी, यही इल्जाम है हम भाजपा वालों पर, चमन से बेवफाई का, जिन्होंने रौंद डाला पूरा चमन पैरों तले। आज वो दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का, क्या बात है? इनकी हैसियत नहीं है विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से बात करने की। इनके चेहरे में ताकत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से बात करने की। इन्होंने आज ये रामपथ की बात कर रहे हैं, कहीं छोटा मोटा, चूंकि आनंद फानंद में जिस प्रकार से बनी थी वो रोड, और 13 किलोमीटर लंबी रोड बनी थी, आपको 13 किलोमीटर लंबी सड़क में कहीं अगर छोटी मोटी कमियां हैं तो उसको सुधार किया जाएगा, और योगी जी ने उस पर कार्रवाई करते हुए वहां की जो जेई सबको निलंबित कर दिया गया है। चिट्ठी लिखकर जो वहाँ जो कंपनी को ठेका मिला था उस पर भी कार्रवाई की बात हुई है। ये लोग किस मुंह से बात करते हैं? इनके शासनकाल में आपको याद होगा गड्ढे में सड़कें होती थी, सड़क में गड्ढे नहीं होते थे, गड्ढों के अंदर सड़क होती थी। यही रायबरेली रोड, जिस रोड से आप आए हैं, इसी रोड में पूरी ट्रक की ट्रक धस जाया करती थी। यहीं से विधायक हुआ करते थे, जिनको झूठा मंत्री के नाम से लोग जानते हैं। ये किस हैसियत से और किस मुंह से बात करने आ जाए हैं? मिल्कीपुर में इनको विधायक 5 साल उन्होंने पूरा किया था अपना कार्यकाल, क्या विकास किया था? आज दोबारा जो है विधायक चुने गए थे, क्या विकास किया है मिल्कीपुर में? ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकसभा निर्वाचित हुए हैं, बधाई है उनको, जनता की सेवा करें, लेकिन ये फर्जी नौटंकी जो वहां जाकर राम पथ पे कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। लगातार योगी जी की सरकार प्रतिबद्ध है विकास को लेकर, और कई हजार करोड़ की योजनाएं लगातार अयोध्या की जो है दी गई है, और चाहे वो राम पथ हो, चाहे वो भक्ति पथ हो, चाहे अयोध्या का एयरपोर्ट हो, चाहे अयोध्या का रेलवे स्टेशन हो। बारिश आई है, पहली बारिश थी, कहीं भी कोई भी रोड बनती है, और बहुत तेजी से यह रोड बनी थी, बहुत कम समय दिया गया था ठेकेदारों को, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा थी, उस कार्यकाल में चीजों को पूरा करना था। कहीं छोटी मोटी कमियां रही होंगी, पहली बारिश आई है तो उसको देखा जाएगा, सुधार किया जाएगा। सुशील भैया, ये पूरे देश में चर्चा का विषय है कि मॉनसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया अयोध्या का नव निर्माणाधीन मंदिर, मंदिर की छत लीक हो गई। देखिए, जो लोग मंदिर नहीं गए उनको मंदिर के विषय में जानकारी नहीं है। छत नहीं लीक हुई है। मंदिर जो है वो तीन तल का बनना है। अच्छा। तीन तल में प्रथम तल का कार्य पूरा हुआ है। अच्छा। ये कभी मंदिर तो गया नहीं है, क्योंकि जो इनके मुखिया हैं उन्होंने सीधा अपने जनप्रतिनिधियों को मंदिर जाने से रोक दिया गया था। तो जय श्री राम भी नहीं बोले जीतने के बाद? जय श्री राम भी नहीं बोल पाएंगे, इनके मुंह में मुंह सी जाएगा इनका, क्योंकि इनके नेता, इनके आका को बुरा लग जाएगा। इसलिए हाँ, भक्त है, मैं इतना जानता हूँ कि वो राम के कहीं ना कहीं मंदिर आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि जय श्री राम खुलकर बोल दें, और वो मंदिर गए नहीं तो उनको मंदिर का पता कैसे चलेगा? तीन तल का मंदिर है, और तीन तल के मंदिर में अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, ऊपर से कहीं पानी की बूंदे आ रही, चू थोड़ी रहा है छत, जब वहां जाएंगे तब पता चलेगा ना। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, एक बार जाके भगवान राम लला का दर्शन करें, और जब दर्शन करेंगे तो इनको पता चलेगा कि वहां कोई छत नहीं लीक हुई है, और तीसरा तल जैसे बन जाएगा, प्रभु श्री राम अपने तीनों रूपों में जब विराजमान हो जाएंगे तो वो मंदिर पूरी दुनिया को जो है आध्यात्मिक ऊर्जा देगी, और पूरी दुनिया को राम राज्य की जो परिकल्पना है उसका संदेश देगी, और अयोध्या पूरी दुनिया की, पूरी विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी का संदेश देगा। राम लला जब टेंट में थे तो ये लोग कभी ये इस प्रकार का सवाल नहीं किए, वहां जाना तो दूर, राम जन्मभूमि का नाम लेना इन लोगों को गवारा नहीं था। और मैं आपको बताऊं, उसी 14 कोसी परिक्रमा, इसी 84 कोसी परिक्रमा जो साधु संत बेचारे निहत्थे सिर्फ परिक्रमा कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलवाई गई, उनके ऊपर लाठियां चलवाई गई, वो भी अयोध्या की जनता को और पूरे देश की जनता को अच्छी तरह से याद है, भली भांति ज्ञात है, कहीं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खून की नदियां यही अयोध्या में खेली गई हैं, और सफाई में नंगा नाच होता था।